नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। इस लेक्चर में हम देखेंगे सोलर वाटर हीटर सिस्टम का वर्किंग। यहाँ पे मैंने सोलर वाटर हीटर सिस्टम दिखाया है। इस लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखेंगे और यहाँ पे मैं एनिमेशन भी दिखाऊंगा। अभी सोलर वाटर हीटर में देर आर टू पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट। पहला जो पार्ट है वो है सोलर कलेक्टर, दूसरा जो पार्ट है वो वाटर टैंक है। अभी ये सोलर कलेक्टर क्या है? सोलर कलेक्टर हीट कलेक्ट करेगा सन से, और वाटर टैंक जो है जिससे हम वाटर आउटपुट लेंगे। तो यहाँ पे सोलर कलेक्टर में क्या क्या है देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ट्यूब रहेंगे और ये सोलर कलेक्टर का फेस टुवर्ड्स सन रहेगा। तो सन से जो भी हीट आ रही है वो सोलर कलेक्टर में आएगी और कलेक्टर में कलेक्ट करके वाटर हीट करके ये जाएगी वाटर टैंक को। अभी सोलर कलेक्टर में बहुत सारे ट्यूब है, इस ट्यूब का एग्जिट जो है वो जा रहा है वाटर टैंक को। तो यहां से जो वाटर आएगा वो जाएगा वाटर टैंक को, और इसको जो इनलेट आ रहा है, इनलेट भी आ रहा है वो वाटर टैंक से आ रहा है। तो वाटर इन यहां से आ जाएगा और एग्जिट जाएगा यहां से। तो अभी यहां पे जो दिया है वो है ट्रांसपेरेंट ग्लास है, जिससे हीट जो सन की है वो एंटर हो जाएगी और वो ट्यूब पे आ जाएगी। अभी इस वाटर टैंक में जो ग्रीन कलर दिखाया गया है वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर के कारण हीट इंट्रैक्शन कम होगा और हीट लूज कम होगा। यहाँ पे वाटर टैंक के लिए फोर पाइपलाइन है, दो पाइपलाइन ये और ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन कनेक्टेड है सोलर कलेक्टर को, और ये जो दो पाइपलाइन है ये और ये इससे हम हॉट कोल्ड वाटर अंदर लेंगे और इससे हम हॉट वाटर आउटलेट लेंगे। तो अभी सोलर वाटर हीटर का जो भी एम है कि हमको हॉट वाटर चाहिए, तो हॉट वाटर कहाँ से आएगा? यहाँ इस पाइप से मैं हॉट वाटर लूंगा और पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे यूज करूंगा। ओके, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। वर्किंग देखेंगे अभी। वर्किंग में जब भी सन से रेज निकल रहे हैं और ये फॉल हो रहे हैं ट्यूब से, तो इसके कारण क्या होगा, ट्यूब में जो भी वाटर है वो हीट हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा। अभी जब हीटिंग होगा, वाटर का हीटिंग होगा, तब वाटर क्या होता है, वाटर लाइटर होता है। लाइटर होता है मतलब हल्का होता है, और हल्का क्यों होता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी रिड्यूस होती है। अभी ये आपको फिनोमेना मालूम होना चाहिए फिजिक्स से, कि जब हम वाटर को हीट करते हैं तो उसका डेंसिटी रिड्यूस होता है, और डेंसिटी रिड्यूस होने के कारण जो भी हॉट वाटर है वो ऊपर जाने का प्रयास करेगी। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, वाटर टैंक हायर हाइट पे लगाया है और कलेक्टर लोअर हाइट पे लगाया है, जिसके कारण जो भी वाटर हीट होगा कलेक्टर में वो वाटर क्या होगा, ऊपर जाने का प्रयास करेगा। तो अभी यहाँ पे एनिमेशन पे दिखाया है कि जो हॉट वाटर है वो ऊपर जा रहा है और वो टैंक में डिपॉजिट हो रहा है। तो यहां से हॉट वाटर आएगा यहाँ पे, और जो भी कोल्ड वाटर है, तो अभी ये इस टैंक से कोल्ड वाटर आ रहा है और वो जा रहा है कलेक्टर को। तो ये एक साइकिल हो गया कि हॉट वाटर यहां से आ रहा है और वाटर टैंक में आ रहा है, और वाटर टैंक से कोल्ड वाटर है वो जा रहा है सोलर कलेक्टर। अभी ब्लू कलर जो है, यहाँ पे मैंने कलर कोडिंग यूज किया है, ब्लू कलर जो है वो कोल्ड वाटर दिखा रहा है, और ऑरेंज कलर जो दिख रहा है वो दिखा रहा है हॉट वाटर। तो ये एक साइकिल हो गया, कलेक्टर से वाटर आ रहा है टैंक को, और टैंक से कोल्ड वाटर जा रहा है कलेक्टर को। तो ये एक साइकिल हो गया। अभी यहाँ पे जो हॉट वाटर है टैंक में वो रहेगा ऊपर, और कोल्ड वाटर रहेगा नीचे, बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस। तो हॉट वाटर की डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर आएगा, और कोल्ड वाटर की डेंसिटी, हॉट वाटर का डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर आएगा, और कोल्ड वाटर की डेंसिटी है वो ज्यादा है इसलिए वो बेस पे आ जाएगी। अभी मुझे जो हॉट वाटर चाहिए वो मैं यहां से निकालूंगा, तो यहां से हॉट वाटर मैं बाहर निकाल सकता हूं, और यहां से हॉट वाटर निकालने के बाद इसमें वाटर रिड्यूस होगा सिस्टम में, तो मुझे यहां से कोल्ड वाटर भी अंदर लाना पड़ेगा। तो यहां से कोल्ड वाटर एंटर हो रहा है और यहां से हॉट वाटर आ रहा है, और हॉट वाटर कैसे गर्म हो रहा है, तो ये यहां से कलेक्टर पे जा रहा है, कलेक्टर से गर्म होके यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं थर्मोसाइपन सोलर वाटर हीटर सिस्टम। थर्मोसाइपन में क्या रहता है, यहाँ पे मैं वाटर जो सर्कुलेट कर रहा हूं वो डेंसिटी डिफरेंस के कारण हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल डिवाइस यूज नहीं किया है, एक्सटर्नल डिवाइस मतलब पंप नहीं यूज किया है। जो भी वेलोसिटी ऑफ वाटर मिल रही है वो मिल रही है डेंसिटी डिफरेंस से। तो इसको हम थर्मोसाइफन वाटर हीटर सिस्टम। अभी कुछ कुछ सिस्टम में ये जो वेलोसिटी हमको मिल रही है वाटर की वो सफिशियंट नहीं होती है, तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पंप लगाना पड़ेगा इस साइड में। तो यहाँ पे मैं पंप दिखा रहा हूं, अगर आप पंप प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, तो इसको बोलता है एक्टिव सोलर वाटर सिस्टम। एक्टिव मतलब क्या है कि पंप क्या करेगा, यहां से वाटर सक करेगा और यहाँ पे डिस्चार्ज करेगा। तो पंप के कारण वेलोसिटी ऑफ वाटर बढ़ेगा, और वेलोसिटी ऑफ वाटर बढ़ने के कारण यहाँ पे जो हॉट वाटर मिलने वाला है वो उसका रेट भी बढ़ते जाएगा। तो ये तो थे वर्किंग थर्मोसाइपन सोलर वाटर सिस्टम और
एक्टिव सोलर वाटर सिस्टम के। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।